वाह क्या छक्का चौका मारा है भाई, ऐसे ही खेलना। ऐसे ही छक्का मारूंगा भाई, तुम ऑर्डर दो भाई, छक्का ही छक्का मारूंगा। हेलो फ्रेंड, बोलने वाला क्रिकेट वीडियो बना के लोग बहुत ही तेज़ी से चैनल को ग्रो कर रहा है। अगर आप भी अपने चैनल को ग्रो कराना चाहते हैं तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, कहाँ से बैकग्राउंड लेना है, कैसे इमेज डाउनलोड करना है, सारी चीज़ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा और आप बहुत ही आसानी से बोलने वाला क्रिकेट वीडियो आप बना पाएंगे। क्रिकेट वीडियो बनाने के लिए फ्रेंड आपको 3 ऐप की ज़रूरी पड़ेगा। पहला है पिक्सल ऐप और दूसरा है मग लाइफ और तीसरा है क्राइम मास्टर। आप इस 3 ऐप से बोलने वाला क्रिकेट वीडियो बहुत ही आसानी से बना पाएंगे, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। वीडियो के लिए बैकग्राउंड डाउनलोड करने के लिए क्राइम ब्राउज़र ओपन करेंगे और सर्च में लिखेंगे फनी वीडियो। जैसे ही फनी वीडियो लिखेंगे तो देख सकते हैं कितने सारे बैकग्राउंड यहाँ ओपन हो चुके। यहाँ इमेज पर क्लिक करेंगे और यहाँ से देख सकते हैं कितने सारे बैकग्राउंड ओपन हो चुके। इसमें से कोई भी एक बैकग्राउंड हम डाउनलोड कर लेंगे, ऐसे प्रेस करेंगे और यहाँ से इसे हम डाउनलोड कर लेंगे इस तरह। इसके बाद फ्रेंड जो करेक्टर को हमको लेना है तो फिर हम सर्च में लिखेंगे, जैसे कि रोहित शर्मा, रोहित शर्मा हम लिख के सर्च करेंगे और यहाँ इमेज पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ रोहित शर्मा का फ़ोटो आ चुका। तो एक फ़ोटो हम डाउनलोड कर लेंगे इस तरह, तो ऐसे ही हम डाउनलोड कर लेंगे। इसके बाद दूसरा करेक्टर को ऐसे ही डाउनलोड करेंगे, फिर हम लिखेंगे विराट कोहली और सर्च करेंगे तो ये विराट कोहली का फ़ोटो आ चुका। फिर इस पर हम टैप करेंगे और यहाँ से इसे हम डाउनलोड कर लेंगे। फ़ोटो को बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए यहाँ सर्च में लिखेंगे रिमूवी विग बैकग्राउंड, तो यहाँ में देख सकते हैं ये ओपन हो चुका है, ये वेबसाइट है। इसके बाद फ्रेंड यहाँ अपलोड इमेज पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ हमारा गैलरी ओपन हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड यहाँ फ़ोटो पे क्लिक करेंगे और इसे डन कर देंगे तो इसका बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। इसके बाद फ्रेंड यहाँ पेंसिल का जो आइकन है इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से इसे हम इस तरह से रिमूव कर देंगे और इसका सिर्फ मुंडी ही हम रखेंगे, इस तरह से रिमूव कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करके इसे हम डाउनलोड कर लेंगे। ऐसे ही हमको दोनों करेक्टर को सिर्फ मुंडी ही रखना है और बैकग्राउंड रिमूव कर लेना है। इसके बाद फ्रेंड पहला स्टेप पिक्सल ऐप हम ओपन करेंगे। ये पिक्सल ऐप ओपन हो गया, अगर आपके मोबाइल में नहीं है तो आप प्ले स्टोर से आसानी से डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके बाद फ्रेंड यहाँ 3 बिंदु पर हम क्लिक करेंगे, इसके बाद मैगी सीजी पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ कस्टम पे क्लिक करेंगे और यहाँ से यूट्यूब साइज हम सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद फ्रेंड टेक्स्ट को हम डिलीट कर देंगे। फिर हम फ्रेंड यहाँ प्लस पर हम क्लिक करेंगे फ्रॉम गैलरी और यहाँ से जो बैकग्राउंड हम लेना था वो बैकग्राउंड हम यहाँ से लेंगे और इसे हम 12 कर लेंगे इस तरह हम 12 कर लिए। इसके बाद फ्रेंड इस पर हम क्लिक करेंगे और इसे हम लॉक कर देंगे ताकि ये इधर उधर सरके ना। इसके बाद फ्रेंड करेक्टर लेंगे, यहाँ प्लस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करेंगे और यहाँ से मुंडी सिर्फ लेंगे तो यहाँ से हम इसके बाद इसे हम दबा के प्रेस करेंगे और थोड़ा रोटेट कर देंगे इस तरह और इसे एडजस्ट कर देंगे और इसे भी हम लॉक कर देंगे।
फिर हम फ्रेंड यहाँ प्लस पर फिर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम गैलरी। इसके बाद फ्रेंड दूसरा करेक्टर लेंगे, इसके बाद यह विराट कोहली को हम लेंगे। और इसे भी हम प्रेस करेंगे, छोटा कर देंगे इस तरह, और इसे एडजस्ट करेंगे इस तरह। ये दोनों पे हम मुंडी लगा दिए। इसके बाद फ्रेंड इस पर हम क्लिक करेंगे और इसे हम गैलरी में सेव कर लेंगे। मग लाइफ पर हम क्लिक करेंगे तो मग लाइफ ओपन हो रहा है। अगर आपके मोबाइल में नहीं है तो आप प्ले स्टोर से आसानी से डाउनलोड कर लीजिएगा, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। तो ये मग लाइफ ओपन हो चुका है। इसके बाद फ्रेंड यहाँ कोने में जो कैमरे का निशान है इस पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद कैमरा रोल पे हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा गैलरी ओपन हो जाएगा। इसके बाद गैलरी पे हम क्लिक करेंगे और जो बैकग्राउंड पिक्सल एम में बनाए थे वो बैकग्राउंड हम यहाँ से लेंगे। ये बैकग्राउंड हम ले लिए। इसके बाद फ्रेंड ये जो नीचे में जो है इस पर हम क्लिक करेंगे तो ऐसे मुंह चलाएगा इस तरह। अब इसमें आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा तो ये सही है। इसके बाद फ्रेंड यहाँ तीर का जो निशान है इस पर हम क्लिक करके और इसे हम सेव कर लेंगे तो ये हमारे गैलरी में सेव हो जाएगा। तीसरा स्टेप में फ्रेंड हम क्राइम मास्टर ओपन करेंगे। यह है क्राइम मास्टर। अगर आपके मोबाइल में नहीं है तो आप प्ले स्टोर से आसानी से डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके बाद फ्रेंड यहाँ क्रेट नाउ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ से 69 सेलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड यहाँ से हम बैकग्राउंड लेंगे तो ये बैकग्राउंड हम ले लिए। इसके बाद फ्रेंड बैकग्राउंड पर हम टैप करेंगे और यहाँ थ्री बिंदु पर हम क्लिक करेंगे और इसे डुप्लीकेट कर लेंगे तो ये इसका लेंथ जो लंबा हो जाएगा। आपको जितना मिनट का वीडियो बनाना है आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। इसके बाद फ्रेंड इसे हम प्ले करेंगे तो आप देख सकते हैं दोनों बोल रहा है। तो हमें पहले विराट कोहली को बुलवाना है तो लेयर पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड यहाँ मीडिया पे क्लिक करेंगे और यहाँ से बैकग्राउंड हम लेंगे। इसके बाद फ्रेंड इसे हम बड़ा करेंगे इस तरह और यहाँ से क्रॉप पे हम क्लिक करेंगे और इसे हम क्रॉप कर देंगे और ओके करेंगे। और प्ले करेंगे तो देख सकते हैं सिर्फ विराट कोहली ही बोल रहा है। इसके बाद फ्रेंड अब हमें रोहित शर्मा को बुलवाना है। फिर हम फ्रेंड लेयर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से फिर हम बैकग्राउंड लेंगे और इसे हम बड़ा करेंगे इस तरह प्रेस करके। इसके बाद फ्रेंड यहाँ क्रॉप पे हम क्लिक करेंगे और इसे भी हम क्रॉप कर देंगे। और फिर हम प्ले करेंगे तो आप देख सकते हैं विराट कोहली बोल रहा है और ये रोहित शर्मा बोल रहा है। तो इस तरह से फ्रेंड आप बोलने वाला क्रिकेट वीडियो आप बना सकते हैं। इसमें अगर आप वॉइस डालना चाहते हैं तो यहाँ माइक का जो ऑप्शन है इस तरह से आप वॉइस ऐड कर सकते हैं। इस तरह से आप इसमें जो भी आपको बोलवाना है आप अपने हिसाब से इसमें आवाज़ ऐड कर सकते हैं। इसमें आपको जो भी बोलवाना है आप अपने हिसाब से इसमें आवाज़ ऐड कर सकते हैं। यहाँ माइक का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करके। तो इस तरह से फ्रेंड आप बोलने वाला क्रिकेट वीडियो बना सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड यहाँ तीर का जो ऑप्शन है इस पर आप क्लिक करके और यहाँ से सेव कर सकते हैं तो ये आपके गैलरी में सेव हो जाएगा। इसके बाद आप अपने चैनल पे अपलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा।
तो लाइक और कमेंट कीजिएगा, और ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो के लिए प्रवेश टच चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको ऐसे ही YouTube से रिलेटेड जानकारी आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।